मिशन इज अ गो। फंस गए हिंदुस्तानी। ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर, जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था और ठीक वैसा ही हो रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और ऋतिक रोशन के नाम भी अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिल्म फाइटर को आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 8वां दिन चल रहा है। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो तो किया ही था, लेकिन अपने 7 दिनों में फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज के अंदर भी फिल्म काफ़ी शानदार कलेक्शन कर रही है और फिल्म का आज 8वां दिन है और आज अपने 8वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से मचा रही है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइटर फिल्म के पूरे 8 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अपने 8 दिनों में फिल्म फाइटर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और साथ ही साथ बात करेंगे आज अपने 8वें दिन ये फिल्म कितने का कलेक्शन कर रही है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप ऋतिक रोशन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म फाइटर की, तो ये एक एक्शन फिल्म थी जो कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी थी और फैंस को इस फिल्म का बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो अब यहाँ पर अगर बात करें फिल्म की, तो हम आपको बताते चले कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ममता आनंद, अजीत आंद्रे, अंकुर पांडे और इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद ने। फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर अहम किरदारों में नजर आए हैं। और अगर हम फिल्म के बजट की बात करें तो दोस्तों, 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में ये फिल्म बनी है। अब बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 24 करोड़ 60 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 123 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 5वें दिन 7 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। 6वें दिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अपने 7वें दिन बुधवार के दिन लगभग 6 करोड़ 58 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था, जिससे इस फिल्म का 7 दिनों का टोटल इंडिया में कलेक्शन 144 करोड़ 53 लाख रुपए हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 172 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज से लगभग 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का 7 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 242 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुका है। अब दोस्तों, बात करें फिल्म के 8वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 8वें दिन इंडिया से लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हो चुकी है। दोस्तों, फरवरी में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिसके चलते इस फिल्म को फायदा मिलेगा, जिससे फिल्म फाइटर धीरे धीरे कलेक्शन करते हुए सेमी हिट भी हो सकती है। यह फिल्म ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ आनंद की साथ में तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने साथ में बैंग बैंग वार फिल्म में भी काम किया था। दोस्तों, दोनों की पहली फिल्म बैंग बैंग भी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, बात करें फाइटर IMDb रेटिंग की, इस फिल्म को 7.3 रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, फिलहाल क्या आपने फिल्म फाइटर देख ली है? अगर देख ली है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।